रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जूली। आज मैं बना रही हूँ पोटैटो चिकन चीज़ बॉल्स। आए बनाते हैं इसे। मैंने 4 आलू लिए हैं, इसको मैंने बॉईल कर लिया था और ये मैंने 10 मिनट के लिए रख दिए थे ठंडा करने के लिए। ठंडे हैं, मैश कर लिया है मैंने इसे अच्छी तरह। इसमें मैं डालूँगी कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून। मिर्चें आप अपने टेस्ट के लिहाज से कम और ज़्यादा कर लीजिएगा। 1 टीस्पून इसमें जाएगा साबुत कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून जाएगा जीरा और 1 टीस्पून काली पिसी हुई मिर्चें जाएंगी इसमें। मैं इसमें 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के लिहाज से कम और ज़्यादा कर लीजिएगा। 1 टीस्पून पिसा हुआ लहसुन है, अगर लहसुन पाउडर है आपके पास तो वो डालें 1 टीस्पून। 1 टेबल स्पून मैं इसमें डालूंगी कॉर्नफ्लावर। 1 टेबल स्पून मैं चावल का आटा डाल रही हूँ इसमें। 1/2 कप मैं डाल रही हूँ हरा धनिया। 1 कप मैं डाल रही हूँ चिकन। चिकन को मैंने नमक और ब्लैक पेपर के साथ बॉईल कर लिया था। 1/2 कप मैं इसमें डाल रही हूँ चीज़। आप कोई सी भी चीज़ ले लीजिएगा, मैंने चेडर चीज़ ली है। इन तमाम चीज़ों को मैं मिक्स करूँगी अच्छी तरह आलूओं के साथ। आलूओं के साथ मैंने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। मैं इसके बॉल्स बना के आपको दिखाती हूँ। मैंने चीज़ के क्यूब्स ले लिए हैं थोड़े, आप भी इसी तरह क्यूब्स काट लीजिएगा। और इसको बीच में मैं रखूँगी एक क्यूब को। इसको इस तरह बंद करूँगी, आप किसी भी शेप में बना लीजिएगा। मैं इस तरह बना रही हूँ। इसी तरह मैं तमाम बॉल्स तैयार कर लूँगी, फिर दिखाती हूँ मैं आपको। तमाम बॉल्स मैंने तैयार कर लिए हैं, अब मैं इसको फ्राई करूँगी। मैंने 2 अंडे लिए हैं, इसमें 2 टेबल स्पून मैं दूध डालूँगी। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। मैंने पिंच नमक भी डाला है। मिक्स करने के बाद एक बॉल उठा के मैं इसमें डिप करूँगी। फिर ये मैं ब्रेड क्रम्स लिए हैं, मैं ब्रेड क्रम्स में इन बॉल को डाल दूँगी। इसको अच्छी तरह कोट करूँगी ब्रेड क्रम्स के साथ। इसी तरह तमाम बॉल्स को मैं तैयार कर लूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तमाम बॉल्स को मैंने अंडे और ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह कोट कर लिया है। फ्राई करते हैं इन्हें। ऑयल को मैंने 10 से 15 मिनट पहले गर्म होने रख दिया था। बहुत तेज़ ऑयल गरम नहीं होना चाहिए, वरना ऊपर की कोटिंग जल जाएगी और ये अंदर से कच्चे रहेंगे। फ्राई होने के बाद मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्राई हो चुके हैं, कितना अच्छा सा कलर आया। ऐसे ही कलर हमें चाहिए, बहुत मज़ेदार ये बनते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दें, शाम की चाय के साथ सर्व करें। अब इसे डिश आउट करते हैं। चीज़ बॉल्स को मैंने डिश आउट कर दिया है। देखें कितनी अच्छी सी चीज़ मेल्ट हुई है। मेरी वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।